जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है, ये हमारी पहले वाली वीडियो यानी कि आकृति देखकर मनुष्य की पहचान कैसे की जाती है, समुद्र शास्त्र की इस प्राचीन विद्या के विद्या को हम कैसे पहचाने, उसी क्रम में हमारी आज की वीडियो दूसरी भाग है, दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में आंखों के विषय में बताया था। आज उसी क्रम को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस आकृति विद्या के हम थोड़ा सा महत्व को जान लें, उसके बाद हम आगे उस विद्या के यानी कि आंखों के बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, आर्यों से ये जो विद्या थी, यह चीन, तिब्बत, ईरान, मिश्र, यूनान आदि देशों में फैली। उसके बाद इसका कई देशों में प्रचार प्रसार हो गया। लगभग ईसा के जन्म से 250 वर्ष पहले टॉलेमी एक राजा था, उसके दरबार में एक विद्वान रहता था, उसने इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी थी। आज के समय में तो यूरोप, अमेरिका और भी कई देशों में वैज्ञानिक जो है रक्त और पसीने की कुछ बूंदों का रासायनिक विश्लेषण करते हैं, ऐसा करते हैं, और मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के बारे में बहुत कुछ रहस्यमयी बातें बताने में सफल भी हुए हैं। तो इस विद्या का हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, और जिसके अनुभव आए दिन आपको प्रकाशित यानी कि अखबारों में भी मिलते रहते होंगे। देखिए, आकृति देखकर मनुष्य को पहचान करने की विद्या अब इतनी ज़्यादा प्रचारित हो गई है कि लोगों का भीतरी परिचय कुछ ही क्षणों में हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से सरल और संभव हो जाता है। प्रकृति ने थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है। प्रायः देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी जो होते हैं, वो लोगों की शक्ल सूरत देखकर कुछ अपने मन में धारणा बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं, और उसी अनुसार फिर बर्ताव भी करते हैं। साधारणतः हर मनुष्य किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अच्छे से अंदाजा भी लगा लेता है कि वह व्यक्ति विश्वास करने योग्य है या इससे बचकर हमें दूर रहना चाहिए। भले ही आप यह न जाने कि यह विद्या हमें आती है या नहीं आती है, लेकिन जो प्रकृति है उसके नियमों के अनुसार मनुष्य में जो मानसिक शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें से मनुष्य को पहचानने की विद्या भी एक है, और यह बिल्कुल सहज ज्ञान है, हर एक के हिस्से में आया है। यह दूसरी बात है कि किसी के पास इसकी मात्रा कम होती है तो किसी के पास इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। आप लोगों को कहते सुना भी हो कि यह व्यक्ति तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति हमें धोखा देगा या ये हमारे काम आएगा। क्यों वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर वह अपनी उस मानसिक शक्ति का प्रयोग करके आकृति विद्या का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। जिस प्रकार व्यायाम से बल, पढ़ने से विद्या और प्रयत्न करने से बुद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से, प्रयत्न करने से इस ज्ञान की भी उन्नति हो सकती है, और उसके आधार पर हम बहुत कुछ वास्तविकता की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आप किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर, नेत्रों में झलकने वाले भावों पर, पहनाव, उड़ाव और तौर तरीके पर गंभीरतापूर्वक इस इच्छा के साथ आप देखिए कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का है। आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करिए, यानी कि एकाग्र करिए, स्थिर करिए, तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक प्रकार की विचार बनते हैं, उस व्यक्ति के विषय में धारणा जम जाती है। इसी तरीके से आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी दृष्टिपात करें, यानी कि उसको देखें, उस चित्र में मतलब अपने मन में उसके प्रति भी एक विचार को बनने दीजिए। इन दोनों विचारों को, धारणाओं को आप कंपेयर करिए, मुकाबला करके देखिए कि किन किन लक्षणों के कारण कौन कौन से संस्कार इनके अंदर हैं। इस तुलना करने वाली रीति से इस प्रकार के अनेक व्यक्तियों को आप देखिए और उनके लक्षणों को आप विचार करके अपने मन में जो भी आपके मन में जो छिक छाप पड़ती है उसका आप एक रिसर्च करो, विश्लेषण करें, और उसके बाद आप अभ्यास करें, कुछ दिनों को लगातार आप जारी भी रखें, फिर इस विद्या के संबंध में बहुत सारी जानकारी आप खुद ब खुद ही प्राप्त करने लग जाएंगे और आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो देखिए, हमने आपको जैसे पहले वीडियो बताया था कि ये जो विद्या है, हमने 15 वर्ष पहले आरंभ की थी, और उस विद्या का जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उस पहले वाले वीडियो के क्रम में, यानी कि हम जो आंखों के विषय में बता रहे थे, उसमें हमने आंखों की पुतलियों के बारे में, उसकी आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक के बारे में बताया था। आज हम आंखों के पर आगे की बात करते हैं। देखिए, अब हमें ये बात देखनी चाहिए कि कौन सा मनुष्य किस तरीके से देखता भालता है। साफ, खुलासा और बिल्कुल बिझड़क होकर दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति का चरित्र ऐसा होता है जिस पर आप आराम से विश्वास कर सकते हैं। जिन लोगों की दृष्टि बहुत ज़्यादा चंचल होती है, चारों ओर चपलतापूर्वक नज़र दौड़ाते हैं, और वे ऐसे लोग अक्सर लोभी, चोर, भिक्षुक यानी भिखारी या कोई कपटी या धोखेबाज ही होते हैं। आंखें मिलते ही झेप जाने वालों के मन में कुछ और मुंह पर कुछ और ही होता है, ये आप अक्सर देख सकते हैं। जिसकी आंखें नीली रहती हैं वह अपराधी मनोवृत्ति का डरपोक या कमजोर होता है। बहुत ही जिद्दी तरीके से ढीठता पूर्वक आंखों से आंखें लड़ाने वालों में उजड़ता, बेवकूफ़ी और ऐंठ ज़्यादा मिलती है। तिरछी नज़र से देखने वाले निष्ठुर, क्रूर
थोड़े रट्टू और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमेशा अपना ही स्वार्थ देखते हैं। आंखों के डले यानी कि आंखों के जो भाग होते हैं वो कुछ उभरे हुए हों, अंदर वाले जो गोल नेत्र गोलक होते हैं, इसे विद्या, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर विद्या प्रेम और ज्ञान का अच्छा ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञान अच्छी तरह से इनके अंदर होता है। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, बहुत तीव्र गति से ये चीज़ों को याद करते हैं। साफ और खुलासा आंखों वाले लोग व्यापार कुशल, व्यवहार कुशल और परिश्रमी तथा बड़ी लग्न वाले, बहुत ही मेहनत से काम करने वाले होते हैं। अधिक बड़ी आंखें तेजस्विता यानी कि चेहरे पे तेजस्व होता है उनका, बहुत तेज होता है। सत्ता यानी कि राजकाज में वैभव, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्य और भोग विलास से प्रसन्न व्यक्तियों की ही होती हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी ये होती है कि ये पर स्त्री गमन से इस प्रकार के लोग बहुत ही कम बच पाते हैं, यानी कि ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या मनुष्य जो होता है वह थोड़े चरित्रहीन भी होते हैं। और इसी ठीक इसी प्रकार इस प्रकार की महिलाएं भी चरित्रहीन मानी जाती हैं, उनका स्वभाव इस प्रकार का देखने में आया है। बड़ी आंखों के बीच का अगर फासला ज़्यादा हो तो सादगी, सीधाई और क्लियर बात करने वाले लोग ऐसे होते हैं। छोटी आंखें खिलाड़ीपन यानी कि बात बात में थोड़ी सी हंसी मजाक करने वाले लापरवाह और सुस्ती को प्रकट करते हैं। जिनकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई हों तो आप उनको दुर्गुणों से ग्रस्त समझिए, ऐसे व्यक्ति अक्सर रोगी भी होते हैं, जिनके कारण जीवन में कोई कहने लायक उन्नति नहीं हो पाती। चिमचिमाती आंखों वाले लोग ना तो दूसरों के ऊपर एहसान कर सकते हैं और ना ही किसी के एहसान के प्रति ये कृतज्ञ यानी कि किसी के एहसान को मानने वाले होते हैं। जिसकी एक आंख एक तरह की और दूसरी आंख दूसरी तरह की हो, ऐसा मालूम पड़ता हो कि एक आंख किसी दूसरे की निकाल कर फिट की गई हो, ऐसे आदमी प्रायः अधपगले, बेसमझ, औंधी खोपड़ी के होते हैं। दृष्टि की कमजोरी तथा तीक्ष्णता एक बात पर निर्भर करती है कि नेत्र का कैसे उपयोग किया जाता है। फिर भी इतनी बात तो ये बात तो हमारे निष्कर्ष में आई है कि नीली आंखें सबसे कमजोर और जरा लाल रंग मिली हुई काली आंखें सबसे बलवान होती हैं। आंखों में काले काले तिल जैसे निशान होना आत्मबल की दृढ़ता को दर्शाता है। पर यह तिल दो चार हों, छोटे हों तो अच्छे हैं, लेकिन अगर जो बहुत बड़ी संख्या में हों, बहुत बड़े बड़े तिल हों, तो ऐसी कमजोरियों के सूचक हैं कि जिनके कारण मनुष्य को दरिद्रता यानी कि गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। जिनकी पुतली यानी कि जिनकी जो आईबॉल्स होती हैं ये ज़्यादा घूमती हूँ, ज़्यादा फिरती हूँ, ऐसे भैंडे आदमी जिद्दी, बेसमझ, लेकिन ये बहादुर देखे जाते हैं। जिनकी आंखें अधिकतर गीली रहती हों, ये लोग बेचैन, डरपोक और झेबू प्रवृत्ति के होते हैं। जल्दी जल्दी पलक मारने वाले लोग सेखीखोर होते हैं, हमेशा अपनी तारीफ करते हैं, झूठे और बेपर की उड़ान भरने वाले होते हैं। एक आंख को कुछ मिचका मिचका कर बात करने वाले लोग दूसरों पर हमेशा संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं, और ये खुद भी संदेह पात्र व्यक्ति नहीं होते, यानी कि इन पे आप विश्वास जल्दी से नहीं कर सकते। नीली झलक जिनकी आंखों के सफ़ेद भागों में दिखती हो तो यह भोलेपन, गंभीरता और सदाचार का प्रतीक मानी जाती हैं। पीलापन जिनकी आंखों में छाया रहता हो, ऐसे लोग हमेशा उज्जड, क्रोधी और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन पीलेपन में अगर लालिमा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो चित्त होता है, जो मन होता है, हमेशा अशांत रहता है, हमेशा ये हड़बड़ाहट, गड़बड़ी करने वाला होता है। लाल रंग के डोर यानी कि लाल रंग की जो आंखों में जो थोड़े से तार जो होते हैं, डोरे हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी आंखों में अधिक हो उसे उष्ण प्रकृति का थोड़ी सी गर्म प्रकृति का समझ रही है। ऐसे व्यक्ति को फोड़े, फुंसी या पित्त के रोग अक्सर होते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्सेबाज और जल्दी से गर्म हो जाने वाले होते हैं, यानी कि गुस्से में बहुत जल्दी अपने आप को, अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं। बिल्कुल गोल छोटी छोटी आंखें बुद्धि की न्यूनता यानी कि बहुत ही कम बुद्धि को प्रकट करती हैं। बहुत छोटी आंखें वाले आलसी और लापरवाह होते हैं। सोते वक्त जिनकी आंखें आधी खुली रहती हैं वे थोड़े से चिंता तो लेकिन लालची होते हैं। जो व्यक्ति बहुत देर में पलक मारते हैं वे सुस्त किंतु विचारवान होते हैं। जो बात करते समय आंखें अधिक फाड़ते हैं उन्हें दृष्टिमान यानी कि उन्हें कई नेत्र रोगों का शिकार होना पड़ता है। देखिए अभी हमने यहाँ पे छोटी छोटी आंखों वाली बातें की, ये हर जगह सही नहीं बैठती, क्योंकि देखिए आप जापानी, चाइनीज, थाईलैंड, इन लोग की आंखें छोटी होती हैं, लेकिन पर यहाँ भी बहुत सारे मेहनती लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदुस्तान, अपने देश में बात करें तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। मटमैली आंखों से नेकी और सदाचार प्रकट होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कृपालु, दयालु प्रगति के होते हैं। सामने की ओर कुछ नीची दृष्टि करके चलने वाले लोगों का मन पवित्र होता है। पुण्य आत्मा और धर्मवान लोग कुछ ऊंची दृष्टि करके चलते हैं। क्रोधी मनुष्य तिरछी निगाह से ही देखते हैं, और नज़र बचाकर चलने वाले लोग चोर, अपराधी या बहुत ही चरित्रहीन स्वभाव के होते हैं।
अंधे यानी कि करेक्टरलेस अंधे आदमियों की मानसिक शक्तियाँ बहुत अधिक विकसित होती हैं। तो देखिए हमारी इस वीडियो के जो दूसरा भाग आपने सुना, इस भाग देखा, इस भाग में हमने आँखों को विषय में बताया था, तो हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बाल के विषय में बताएंगे, बाल को देख कर आप मनुष्य की प्रवृत्ति को, उसके स्वभाव को और उसके व्यवहार को आप समझ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।